हेलो फ्रेंड्स, मैं बैडमैन। तो आज हम बात कर रहे हैं वाले बीजीएमआई के हैकर्स के ऊपर, जिसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे अंडरडॉग्स प्लेयर्स इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड और अपनी होप्स को हार बैठे हैं। आज हम बात करेंगे बीजीएमआई के उन हैकर्स के ऊपर और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से शॉर्ट आउट हो सकते हैं और अपने आप को किस तरीके से आप अंदर से मजबूत कर सकते हो इन सारी सिचुएशन को फेस करने के लिए। आज को आपको पता होगा, आज हम सबको पता है कि हम सारी जितनी क्लासिक मैचेस खेल रहे हैं, हम जितनी सारी कस्टम्स वगैरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टम्स वगैरह में भी कुछ कुछ हैकर्स आ रहे हैं और क्लासिक वगैरह में सबसे ज़्यादा 90% हैकर्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप 10 मैचेस खेलो, 10 मैचेस में 9 मैचेस में आपको हैकर मिलना तय है, जिससे कि आपका जो पूरा ग्राइंडिंग वगैरह है वो पूरी तरीके से रुक सा गया है। जो अच्छे यूट्यूबर्स, जो अच्छे गेमर्स हैं, वो अपने ग्राइंडिंग को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर भी एक डर सा बैठ गया कि क्या होगा अगर इसी तरीके से चलता रहा। क्या बीजीएमआई का फ्यूचर खतरे में है या बीजीएमआई पूरी तरीके से ख़त्म सा हो जाएगा? तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से टेम्प्रेरी हैं। आपको अपने माइंड को इस तरीके से शो कराना, अपने माइंड को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना कि ये सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से टेम्प्रेरी हैं। और जो हमारे बीजीएमआई के डेवलपर्स हैं वो इस पर बहुत ही ज़ोरों शोर से काम कर रहे हैं, और वो जो सारी चीज़ें हैं हैकर्स वगैरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कंपनी ये कभी नहीं चाहेगा कि एक हैकर्स की वजह से उनकी जो ऐप की ग्रोथ है, जो उनकी गेम की ग्रोथ है, वो पूरी तरीके से रुक जाए। हमको पता है कि बीजीएमआई का कितना ज़्यादा क्रेज़ है हमारे इंडिया में, और हमें पता है कि बीजीएमआई ही एक ऐसा गेम है जिसकी वजह से हमारी ई स्पोर्ट की जो एक जर्नी है बहुत आगे तक जा सकती है। तो इससे कोई भी ऐसा जो गेम का डेवलपर कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके की कोई भी कमियाँ हों या इस तरीके की कोई भी चीज़ें हों जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है ऐप की, जो हमारे गेम की ग्रोथ है, वो रुक जाए। तो आपको अपने माइंड में एक अच्छा सा मसल बिल्ड करना है। आपको सोचना है कि अभी जाकर क्लासिक में ज़्यादा हैकर्स आ रहे हैं, तो अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो, अपने माइंड को इस तरीके से सोचो कि मैं अगर अभी क्लासिक नहीं खेल पा रहा हूँ तो मैं कुछ और चीज़ कर सकता हूँ। मैं अच्छी टीम डिकोड कर सकता हूँ, अच्छी टीम से मैं कुछ सीख सकता हूँ, अच्छी टीम्स की मैं स्ट्रेटजीज वगैरह पर अच्छा वर्क कर सकता हूँ, अच्छी टीम्स की स्ट्रेटजी को अपने साथ मिलकर, अपनी स्ट्रेटजी को मिक्सअप करके एक नया स्ट्रेटजी मेकिंग कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप गेम बिना खेले भी बहुत अच्छी खासी प्लानिंग कर सकते हो आगे के लिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं या हो सकती हैं कुछ दिनों के लिए हों या कुछ महीनों के लिए हों, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो जाने वाली हैं। ये आपको भी अंदर अंदर पता होना चाहिए, और आपको नहीं पता तो मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि बीजीएमआई के जो डेवलपर्स हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका गेम बुरी तरीके से पिट जाए कुछ हैकरों की वजह से। तो आपको अपने माइंड में एक अच्छा मसल बिल्ड करना होगा, अपने आप को ट्रेंड रखना होगा, अपने अंदर से डीमोटिवेशन पूरी तरीके से निकाल फेंकना होगा। आपको सोचना है कि आज आप जिस कंडीशन में हैं, ग्राइंड नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम्स खेलना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेम सेंस पे वर्क करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग पे वर्क करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजीज पे वर्क करना है, मुझे अपनी टीम के साथ एक अच्छा मोटिवेशन उनको देना है कि वो हिम्मत ना हारे। तो आपको ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखकर अपने मेंटेलिटी को अच्छा रखना है, और आपको हैकर से फुल इग्नोरिंग गेम करना है। जैसे कि आप हैकर्स गेम में आई नहीं रहे, या हैकर्स आते हैं तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपके माइंड को ये बताओ कि ये सारे जो तुच्छ हैकर्स हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाने वाले हैं, या जो हमारे इंडियन गेमिंग का जो ई स्पोर्ट का जो आगे का एक लेन बनने वाला है वो बहुत ही ऊपर जाने वाला है। इन छोटे मोटे हैकर्स की वजह से हम अपने ई स्पोर्ट की करियर को ख़त्म नहीं कर सकते, या हमारे जो ई स्पोर्ट की जो इंडिया की ई स्पोर्ट की जो एक तरीके से जर्नी है वो ख़त्म नहीं होने वाली इन छोटे मोटे हैकर्स की वजह से। आपको खड़ा होना होगा, अपने माइंड से आपको अपने मेंटेलिटी को अपने अंदर से मजबूत करना होगा, और इन हैकरों से आपको लड़ना होगा। क्लासिक में नहीं, अपने माइंड से लड़ना है। ये हैकर एक दिन थक जाएंगे, हार के बैठ जाएंगे, या तो आपका जो डेवलपर्स हमारे बीजीएमआई के इनको कहीं ना कहीं रोक लेंगे। फिर आपको क्या करना है, अपने अच्छी तरीके से आपको ग्राइंडिंग करनी होगी। दैट्स इट गाइस, आप कर सकते हो, आपको मोटिवेटेड रहना है। आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो और खुद के सबसे बड़े दोस्त हो। आप अपने माइंड को जिस तरीके से ट्रीट करोगे इस सिचुएशन में, आपका माइंड उसी तरीके से आपका साथ देगा। जो प्लेयर स्मार्ट होगा वही प्लेयर यहाँ पर एक अच्छा मोटिवेशन क्रिएट कर पाएगा। तो दोस्तों, डिसीजन आपके हाथ में, क्या आपको इन तुच्छ हैकरों से डर कर अपनी स्पोर्ट जर्नी को रोक देना है, या अपने माइंड को अच्छी तरीके से कंट्रोल करके, अपने प्लान पे अच्छी तरीके से फोकस करके, फ्यूचर प्लानिंग पे अच्छी तरीके से वर्क करके आपको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जो लोग हैकर्स को लेकर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है, प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए और उनके अंदर एक अच्छा होप क्रिएट हो पाए बीजीएमआई को लेकर। जो दोस्तों, बीजीएमआई की करियर आपके हाथों में। तो फ्रेंड्स, चलता हूँ, बाय।